हाई एवरी वन टुडे वी विल बी रीडिंग द कैमल्स कंप्लेन फ्रॉम द इंग्लिश ट्री बुक लेट्स बिगिन द पोएम कैनरी बर्ड्स फीड ऑन शुगर एंड सीड पैरट्स हैव क्रैकर्स टू क्रंच कैनरी बर्ड एक छोटी सिंगिंग बर्ड होती है बहुत छोटी सी टिडिया होती है तो कैनरी बर्ड फीड ऑन शुगर मतलब वो शुगर खाती हैं और सीड्स खाती हैं पैरट्स हैव क्रैकर्स टू क्रंच और पैरट्स के पास क्रैकर्स होते हैं क्रैकर्स मतलब थिन बिस्किट्स पतले वाले जो बिस्किट्स होते हैं विदाउट शुगर वाले वो टू क्रंच खाने के लिए एंड एज फॉर द पूडल्स दे टेल मी द नूडल्स हैव चिकन एंड क्रीम फॉर देयर लंच और जो पूडल्स हैं पूडल्स एक तरह के डॉग्स होते हैं तो जो पूडल्स हैं वो कहते हैं मुझे कैमल अपने बता रहा है कि पूडल्स uh, जो हैं वो क्या करते हैं वो कहते हैं कि उनको नूडल्स मिलते हैं खाने के लिए और उन नूडल्स में चिकन और क्रीम भी होता है लंच में बट देयर नेवर अ क्वेश्चन अबाउट माई डाइजेशन लेकिन कैमल कहता रहता है कि इन सब के पास पैरेट के पास कुछ खास चीज़ है क्रैकर खाने के लिए है कैनरी बर्ड्स के पास शुगर है सीड्स हैं फिर पूडल्स के पास जो है नूडल्स हैं चिकन और क्रीम के साथ बट जब मेरी बारी आती है कोई क्वेश्चन ही नहीं है मेरे डाइजेशन का मेरे लिए कुछ भी चलेगा एनी थिंग डज फॉर मी कुछ भी चलता है मेरे लिए तो मेरे लिए कोई स्पेशल फूड नहीं है तो यहां पर जो है इस पैराग्राफ में कैमल अपने खाने के बारे में जो है कंप्लेंट कर रहा है कैट्स आर अवेयर कैन रिपोज इन अ चेयर कैट्स जो हैं अब आगे कैमल कहता है जो कैट्स हैं तुम जानते ही होगे यू आर अवेयर मतलब कैट्स के बारे में तुम लोग जानते ही होगे कैन रिपोज तो कैट्स जो हैं वो रेस्ट कर सकते हैं रिपोज मतलब रेस्ट चेयर पे बैठ के आराम से रेस्ट कर सकते हैं चिकन्स कैन रूस्ट अपॉन रेल्स और चिकन्स जो हैं जो छोटे छोटे चिकन्स के बच्चे हैं वो जाकर आराम से रेल्स के रेलिंग्स के ऊपर जाके रेस्ट कर सकते हैं पपीस आर एबल टू स्लीप स्लीप इन अस्टेबल और पप्पीज़ जो हैं डॉग्स के जो बच्चे हैं वो स्टेबल में उनके रहने वाली जो जगह है वहाँ पर जाकर रेस्ट कर सकते हैं सो सकते हैं एंड ऑइस्टर्स कैन स्लम्बर इन पेल्स और ऑइस्टर्स जो हैं वो शंख टाइप के जो होते हैं ऑइस्टर्स वो गहरी नींद में जा सकते हैं किस में पेल्स में मतलब छोट छोटे छोटे बाकेट्स में जाकर सो सकते हैं बट नो वन सपोज अ पुअर कैमल्स डोस लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है एक कैमल कहाँ बेचारा जाके डोज करे या रेस्ट करे तो अगले पैराग्राफ में इस पैराग्राफ में कैमल जो है अपने रेस्ट के बारे में नींद के बारे में कंप्लेंट करता है एनी प्लेस फॉर मी एनी प्लेस डस्ट फॉर मी और कोई भी जगह मेरे रेस्ट करने के लिए काफी है ऐसा लोग मानते हैं मेरे लिए कोई स्पेशल जगह नहीं बनाई गई है लैम्प्स आर इनक्लोज वेयर इट्स नेवर एक्सपोज तो लैम्प्स जो हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है इनक्लोज रखा जाता है और उनको बाहर नहीं निकाला जाता है बाहर गर्मी में धूप में कूप्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर हैं और कूप्स को कूप्स बनाए जाते हैं हैंन के लिए कूप्स मतलब हैंन की जो रहने की जगह है जो छोटा सा घर बनाया जाता है उसको कूप कहा जाता है तो हैं को कूप में रखा जाता है किटन्स आर ट्रीटेड टू हाउस वेल well हीटेड और किचन्स को अच्छे गर्म घरों में रखा जाता है एंड पिगज आर प्रोटेक्टेड बाई पेंस और पिग्स को रखने के लिए पेंस बनाए जाते हैं मतलब उनके जो घर होते हैं रेस्टिंग प्लेस होता है उसको पेंस कहा जाता है तो पिग्स को पेन्स में रखा जाता है बट अ कैमल कम्स हैंडी वेर एवर इट्स हैंडी और कैमल के लिए कुछ भी नहीं बनाया जाता है उसको बस हैंडी मान लेते हैं बहुत ऐसे ही मान लेते हैं और उसको कहीं पे भी जहाँ पे भी रेत हो जहाँ पे सैंड हो वहाँ पे रख दिया जाता है एनी वेयर मी और कोई भी जगह मेरे लिए काफ़ी है मेरे लिए कोई स्पेशल घर जो है नहीं बनाया जाता है इन सारे एनिमल्स के लिए स्पेशल घर बनाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए लेकिन कैमल को किसी भी जगह सैंड के ऊपर लिटा दिया जाता है बिठा दिया जाता है उसके बाद कैमल जो है अपने रहने की जगह के कंप्लेन करने के बाद नेक्स्ट पैरा में क्या कहता है पीपल वुड लाफ इफ़ यू रोड अ जिराफ तो कहता है कि तुम अगर किसी जिराफ के ऊपर चढ़ जाओ राइड करने लगो तो फिर लोग तुम पर हंसेंगे और माउंटेड द बैक ऑफ एन ऑक्स या फिर एक ऑक्स के बैक के ऊपर मतलब ऑक्स जो होता है बैल जो होता है उसके पीठ के ऊपर अगर तुम बैठ जाते हो या चढ़ जाते हो तो भी लोग तुम पर हंसेंगे इट्स नो बड इज हैबिट टू राइड ऑन अ रैबिट और किसी के हैबिट ही नहीं है कोई रैबिट पे चढ़ता ही नहीं है और ट्राई टू बिस्ट्रैडल अ फॉक्स या फिर ये जो फॉक्स है उसके ऊपर जाकर कोई भी अपने ब्रिस्ट्रेडल मतलब ऐसे तरीके से बैठना कि एनिमल के पीठ के एक साइड और दूसरे साइड दो साइड दोनों पैर हों ऐसे चढ़ के बैठना तो वो कहता है कि फॉक्स के ऊपर भी कोई जाके बिस्ट्रैडल करके नहीं बैठता है बट एज़ फॉर अ कैमल लेकिन कैमल के लिए जो कि मैं हूँ तो कैमल के लिए ही इज़ रिडन बाई फैमिलीज कैमल के ऊपर तो पूरी पूरी फैमिलीज चढ़ी हुई होती हैं बहुत सारे लोग एक साथ चढ़ जाते हैं एनी लोड डस फॉर मी और कितने भी लोग चढ़ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को कोई कुछ बुरा भी नहीं मनाता है कितना भी लोड लगा दिया जाए सब चढ़ जाते हैं पूरी पूरी फैमिली के साथ तो कितना भी लोड चढ़ा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है अ स्नैक इज़ अ तो यहाँ पर जो है उसके कैमल के ऊपर जो सभी राइड करते हैं और बाकी एनिमल्स को एज अ राइड नहीं यूज़ किया जाता है इस बारे में कैमल कंप्लेन करता है उसके बाद कहता है स्नैक इज एज राउंड एज अ होल इन द ग्राउंड और स्नैक जो होता है वो राउंड होता है होल की तरह मतलब उसकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल ऐसे राउंड होती है तो स्नैक इज राउंड एज एज राउंड एज अ होल इन द ग्राउंड द वीजल्स आर वेवी एंड स्लीक और वीजल्स जो होते हैं वो वेवी होते हैं ऐसे वेवी और स्लीक होते हैं ठीक है छोटे से एनिमल्स होते हैं वीजल्स वो वेवी और स्लीक होते हैं बहुत शाइनी से होते हैं एंड नो एलिगेटर कुड एवर बी स्ट्रेटर और कोई एलिगेटर इतना स्ट्रेट नहीं हो पाता है देन द लिजर्स दैट लिव्ड इन अ क्रीक और जो क्रीक में जो लिजर्ट रहते क्रीक मतलब छोटी छोटी नहरें जो होती हैं जहाँ पर पानी बहता है उसमें जो लिजर्ट होती हैं उनकी तरह स्ट्रेट तो कोई एलिगेटर नहीं हो पाता है वो बहुत स्ट्रेट होती हैं तो यहाँ पर वो कैमल जो है काफ़ी दूसरे दूसरे टाइप के एनिमल्स के शेप्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है कोई किसी को राउंड बताता है किसी को स्लीक और वेवी बताता है किसी को स्ट्रेट बताता है बट अ कैमल्स कैमल्स ऑल लंपी एंड पम्पी एंड हम्पी और कहता है लेकिन मेरा कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं है जो कैमल है वो लम्पी होता है बम्पी होता है और हम्पी होता है उसके हम्प होता है उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है कहीं से भी आड़ा टेढ़ा सा होता है एनी शेप दसवी और मैं जो है मेरे लिए कोई भी शेप चल जाता है मैं किसी भी शेप में हो जाता हूँ आड़ा टेढ़ा सा हूँ कोई परवाह नहीं है इनकी तरफ परफेक्ट शेप भी नहीं है मेरा तो ये जो पोएम है चार्ल्स एडवर्ड कार्ल ने लिखी है दिस पोएम इज़ अ वेरी ईजी पोएम वैसे तो लेकिन इसका मॉरल ये है कि देखिए इसमें आ, वो जो कैमल है वो कंप्लेन करता है कई तरीके से कहता है कि मेरा खाना ठीक सही नहीं है मेरे रहने की जगह नहीं है मुझे रेस्ट करने के लिए सही जगह नहीं मिलती है और मेरे बॉडी का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है हर चीज़ के बारे में वो कंप्लेन करता है बट वो कभी भी अपनी जो स्पेशलिटीज़ uh, हैं जैसे कि उसके पास जो स्पेशल एबिलिटीज़ हैं सैंड में सर्वाइव करने के लिए उस सब के बारे में बात नहीं करता है वो सिर्फ़ जो उसमें कमियां हैं उसको गिनाता है इस पूरे चैप्टर इस पूरे पोम में तो इससे uh, काफ़ी हद तक जो है पोएम uh, में पोएट हमें ये भी बताना चाहते दिखाना चाहते हैं कि ये सिमिलर जो हैबिट होती है वो हम इंसानों की भी होती है ह्यूमन बींग्स भी जो हैं इसी कैमल की तरह हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं जो हमारे पास अच्छा चीज़ होता है उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं हम लोग हम लोग हमेशा कंप्लेंट करते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके लिए तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमको मॉरल ऑफ द इज कि हमको कंप्लेंट नहीं करना चाहिए हमारे पास जो है उसके लिए हमें खुश होना चाहिए कैमल के पास भी बहुत सारी एबिलिटीज़ होती है वो गर्म रेत पे चल सकता है वो बहुत दिन बिना पानी पिए रह सकता है एंड सो ऑन लेकिन वो उन सब चीज़ों के बारे में एक बार भी बात नहीं करता है यहाँ पर उसी तरीके से बहुत इंसान होते हैं जो कंप्लेंट करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में जो हमें नहीं करना चाहिए हमें अपने लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए हमेशा जो नहीं है उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा एल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रन टेक केयर बाय बाय।